नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे, यदि पति की खराब आदतें आपके जीवन में परेशानी लेकर आ रही हैं तो उन आदतों को कैसे सरल उपाय के जरिए ठीक किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार आज का लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:56 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 12:03 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पति की आदतों के बारे में। पंडित जी, कब पति की आदतें पत्नियों को परेशान करने लगते हैं? हम आज बात कर रहे हैं कि कौन सी स्थितियां होती हैं जब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं, और अगर आपको आपके पति की आदतें परेशान कर रही हैं तो किन उपायों पे काम करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि कब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं। किसी भी महिला की कुंडली का पत्नी की कुंडली का सप्तम भाव, नवम भाव और लग्न, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। इन भावों के खराब होने पर पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है, और पति की आदतें ऐसी होती हैं जो घर में तनाव का, अशांति का कारण बनती हैं। पत्नी की कुंडली का शुक्र पति की आदतों के बारे में बता देता है। अगर पत्नी के शुक्र को देखा जाए, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, किस ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव है, तो ये पति की आदतों के बारे में बता देगा। पत्नी कुछ उपाय करके पति की इन आदतों में सुधार कर सकती है। पहले पत्नी को ये समझना होगा कि पति के अंदर कौन सी खराब आदत है, वो किस ग्रह की वजह से आ रही है, और उस खराब आदत को दूर कैसे किया जाए। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, जीवन साथी की सलाह मान करके चलें तो लाभ होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर पति की वाणी ठीक ना हो, अच्छे से बात ना करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पंडित जी, कई बार होता है कि पति ऐसी बातें करते हैं कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर वाणी ठीक नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे बड़ी पति पत्नी के बीच की समस्या है वाणी की समस्या। अगर आपके पति ऐसे हैं जो कड़वी वाणी बोलते हैं, क्रोध में बात करते हैं, ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी अगर आपके पति की वाणी ठीक ना हो तो क्या उपाय किया जाएगा? पत्नियां रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगी, सुबह के समय पूजा जरूर करेंगी, चाहे 5 मिनट करें, और शंख बजाएंगी, घंटी बजाएंगी, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा, 27 बार सुबह 27 बार शाम को, और घर में भोजन अपने हाथों से बनाने का प्रयास करिए। कोशिश करें कि जब भी भोजन करें अपने पति के साथ बैठ करके कम से कम एक वेला में, एक समय में भोजन जरूर करें। ऐसा करने से पति की वाणी में सुधार होगा, और अगर पति की वाणी में सुधार होगा तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, संपत्ति का या वाहन का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ हो सकता है, संपत्ति खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए, उसके लिए क्या करना है आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पंडित जी बताते हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न वैभव पाठक ने हमें दिल्ली से लिखा है। 25 अक्टूबर 2002 का जन्म है, 11:55 रात को, इटावा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकूंगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? वैभव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप पहले टीचिंग जॉब में जाएंगे, पहले आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। स्टेट सर्विस कमीशन की ज़्यादा तैयारी करिएगा, स्टेट में परीक्षा होने की सफलता की संभावना ज़्यादा है। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपके पति घर में गंदगी फैलाते हैं, कोई सामान कहीं उठाकर फेंक देते हैं, तो पंडित जी ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? बहुत सारी महिलाओं के पति ऐसे होते हैं जो घर को अव्यवस्थित रखते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, घर की चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। क्या करना चाहिए? पत्नी जो है वो जब भी घर में पोछा लगाएं या लगवाएं, पानी में जरा सा नमक डाल दें, घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाइए या लगवाइए। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिए, कपूर की सुगंध के प्रयोग से नकारात्मक आदतें छूट जाती हैं। अपने शयन कक्ष में एक गिलास पानी में नींबू, बिना कटा हुआ नींबू डाल करके अपने बेडरूम में रख दें और रोज इसका पानी बदलते रहें।
अपने पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं या अपने पतिदेव को कहें कि वो नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं। अगर ऐसा वो नियमित रूप से करने लगें और आप करवा पाएं तो पति का जीवन अनुशासित हो जाएगा और साथ ही साथ पति की जो गंदगी फैलाने की आदत है, अव्यवस्था की जो आदत है, वो आदत दूर हो जाएगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर पति को नशे की आदत हो तो पंडित जी नशे की आदत छुड़ाने के लिए पत्नी क्या कर सकती है? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति को नशा करने की आदत है, खासतौर से अल्कोहल की, शराब की। अगर आपके पति को नशा करने की आदत है तो पहले तो ये समझिए कि इसमें शनि, राहु और पंचम भाव की भूमिका होती है जो ज्यादातर एडिक्शन पैदा करती है। अगर आपके पति को नशे की आदत है तो क्या करेंगी? पति के नशे की वस्तु को शनिवार को सुनसान जगह पर फेंक आएं या कूड़े पात्र में फेंक आएं। एक बार ये शनिवार को शुरू करिएगा और ऐसा 8 शनिवार को करिएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। घर में पुरानी चीजें जिनका उपयोग ना होता हो और जो कबाड़ की चीजें हैं इनको इकट्ठा मत करिएगा। जिस बेडरूम में आप सोती हैं अपने पतिदेव के साथ उसमें खूब सारे प्रकाश की
बहुत सारे लाइट की व्यवस्था करिएगा। अगर आप ये उपाय थोड़े से लंबे समय तक धैर्य के साथ करें तो आपके पति की नशे की आदत दूर हो जाएगी। पति के नशे की आदत को दूर करने के लिए बहुत सारी महिलाएं भगवान भैरव की पूजा करती हैं, वो भी आप कर सकती हैं, जिससे आपके पति के नशे की आदत दूर हो जाए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, अक्सर जब शादी होती है, इंगेजमेंट होती है, तो हीरे की अंगूठी पहनाई जाती है, लेकिन ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि सबको हीरा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग इंगेजमेंट में हीरे की अंगूठियां बदलते हैं, डायमंड की रिंग एक्सचेंज करते हैं, जबकि डायमंड की रिंग सबको एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, जो हीरा है वो सौंदर्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो शुक्र का रत्न है और बहुत तेजी से काम करता है। इसीलिए अगर आप डायमंड की रिंग पहनना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं इंगेजमेंट के समय में, तो उसके पहले ये विचार कर लें कि आपका शुक्र कैसा है। अगर आपका शुक्र निगेटिव वाले पार्ट पे है या दिक्कत वाली स्थिति में है, तो आप अंगुलियों में हीरा ना पहने, ऐसी स्थिति में आप कान नाक गले में हीरा पहन सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में कुछ सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। नंबर 3, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है। नंबर 5, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। नंबर 6, आज बहुत मेहनत करेंगे तभी लाभ होगा। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याओं से फिलहाल बचाव करिएगा। अब समय हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता पार्वती को पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से जल्दी विवाह का, शीघ्र विवाह का वरदान आपको मिल जाएगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे? अगला प्रश्न माया गुप्ता जी ने हमें बांदा से लिखा है, अपने पति के लिए लिखती हैं, निखिल गुप्ता जी के लिए। 11 जून 1982, 8:55 सवेरे, बांदा, उत्तर प्रदेश। ये माया जी कह रही हैं कि मेरे पति की करियर की स्थिति कैसी रहेगी, भविष्य कैसा रहेगा और कुछ पैसा किसी को उधार दिया है, क्या वो मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। माया जी, आपके पतिदेव का करियर तो बहुत ही अच्छा है और मई 2025 के बाद करियर और स्थान दोनों में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जहां तक फंसे हुए पैसे की बात है, उसके मिल पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है, लेकिन आप चाहें तो अभी आपके पास समय है। 2025 के मार्च के पहले तक निरंतर प्रयास करें, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। फिलहाल आप अपने पतिदेव को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाइए। और दूसरा, इनको बोलिए कि हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं ताकि फंसा हुआ पैसा निकल सके। अब बात सक्सेस मंत्र की। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज की, तो अपने साथ एक गुलाब रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक वालों के लिए। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, मार्केटिंग बहुत करेंगे, इस समय खरीदारी का समय आपका चल रहा है। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, बेवजह के विवाद ना हो जाएं, इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।